कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? अजलान साहब, आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? इस सवाल का जवाब नहीं देंगे ना तो मैं चलती गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। आपको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? Stop it. अस्का, दिमाग खराब हो गया आपका? आपकी हरकतें ऐसी हैं कि किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोके। Stop it. आप गाड़ी क्या कर रही हैं आप? अस्का, अस्का प्लीज। मैं बस, रक्षा, टैक्सी किसी में भी चली जाऊंगी, मैंने आपके साथ नहीं जाना। आप इतनी बेवकूफ नहीं लगती मुझे। अस्का, गेट इन द कार। अस्का, आप पागल हो गई हैं क्या? अस्का, गेट इन द कार। अस्का, आप इतनी बेवकूफ नहीं लगती? यहाँ दूर दूर तक कोई टैक्सी नहीं मिलने वाली। Now please have a seat. तो मैं पैदल चली जाऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं जाना। अस्का, अस्का प्लीज। क्यों बैठूं मैं? मैं कब से आपसे एक सवाल किए जा रही हूँ कि आप मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए, क्यों लेकर आए? इस बात का जवाब नहीं दे रहे, मुझे और तंग किए जा रहे। बहुत सवाल करती हैं आप, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, you understand? आपको मेरे कॉलेज नहीं आना चाहिए था। मुझे आपके मोहल्ले भी नहीं आना था, सिर्फ इस वजह से आया था बताने के लिए कि आप लोगों को हक का साथ देना चाहिए। शनाया आप लोगों से बहुत मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत की जान दे दी उसने। आप पढ़ी लिखी लगती हैं, अपने घर वालों को समझा सकती हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जान दे दी, लेकिन हम इतने बहादुर नहीं हैं अजलान साहब, आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आती? अजका, गवाही की बात है, शनाया के जो कातिल हैं वो आपके भाई के भी कातिल हैं। आप लोगों की गवाही से हम उनको सजा दिलवा सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, मैं आप लोगों की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी। आपने अपनी बीवी को प्रोटेक्ट कर लिया? एक्सक्यूज मी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अपनी बीवी को प्रोटेक्शन दे सके? नहीं ना, तो आप हमें क्या प्रोटेक्शन देंगे? और वैसे भी प्रोटेक्ट करने वाली जात तो अल्लाह की जात होती है। देखिए, शनाया ने मुझे कभी नहीं बताया था कि वो अंडर थ्रेट है। अगर मुझे पता होता मैं उसे कभी वहां ना जाने देता, साई की तरह उसके साथ रहते। जो हो चुका है वो हो चुका है, शनाया को मैं वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन जो मैं अभी करना चाह रहा हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज। माफ कर दीजिएगा, लेकिन हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? गवाही देना तो आपके बस में है ना? हम कमजोर औरतें हैं, हमारे पास जो इस वक्त है ना वो इज्जत है। अगर खाली जान की बात होती तो कब की गवा देते, इज्जत नहीं गवा सकते। हमने आपका नमक खाया है, नमक हरामी नहीं करना चाहते, हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। कितने पैसे चाहिए आपको? फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन चाहिए, वो मैं दे दूँ। आप क्या समझते हैं अजलान साहब, क्या समझते हैं? हर चीज खरीदी जा सकती है, हर चीज बिकाऊ होती है। नहीं, ये देखिए, ना तो मेरे घर आइएगा, ना मेरे कॉलेज, और ना मुझसे रابطہ करने की कोशिश कीजिएगा, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। यहाँ बैठिए अस्का, देखिए आप, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ, यूं अकेले नहीं छोड़ सकता, प्लीज आइए।